इसको नहीं कॉलेज में हॉस्पिटल लाइन, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट समेत 5 पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इसी बीच AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो BJP को सत्ता से हटाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दरअसल असम में AIUDF की मुस्लिम वोटरों के बीच अच्छी पकड़ है। बदरुद्दीन अजमल खुद भी ढुबरी लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन के बाद से BJP बौखलाई हुई है। पिछले कुछ महीनों से BJP लगातार बदरुद्दीन अजमल पर हमलावर है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो उन्हें असम का दुश्मन तक करार दे दिया था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के लोगों को बांटने के लिए बेहद गंदे फार्मूले पर काम कर रहे हैं। उन्हें दर हकीकत प्रदेश की समस्याओं और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया और इसलिए वो मेरा नाम ले रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि BJP जानती है कि जनता बेवकूफ नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप ये कहते रहिए कि शेर आ रहा है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल शेर नहीं है, बदरुद्दीन अजमल एक इंसान है। हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए खुद को दुश्मन कहे जाने पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा को किसी को विलन बनाना था, इसलिए कि उनकी असम में कोई पहचान नहीं रह गई है। शर्मा सिर्फ ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो असम के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। AIUDF सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रही है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो असम का सांप्रदायिकरण नहीं होने देंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के बाद इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि AIUDF और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय निर्णायक स्थिति में है। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है और सीटों के बंटवारे में हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ BJP को सत्ता से बाहर करना है। गठबंधन का CM कौन होगा, इस सवाल पर अजमल ने कहा कि अभी हमने मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा नहीं की है। किसी भी चुनाव में कांग्रेस पहले से CM का चेहरा तय नहीं करती है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें ना तो CM का पद चाहिए और ना ही डिप्टी CM का। हम सिर्फ BJP को हटाना चाहते हैं।